जयपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां एक पति ने कोर्ट में सेटलमेंट मनी के लिए 7 बोरियों में 55,000 रुपए के सिक्के लेकर वो पहुंच गया। बता दें, कोर्ट के आदेश पर उसे यह रकम अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए देनी थी, जिसके बाद युवक ने अपनी पत्नी को यह रकम देने के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया। हालांकि इतने सारे सिक्के देख पत्नी नाराज हो गई और इसे मानसिक उत्पीड़न करार दिया, जिसके जवाब में पति का कहना था कि यह भारत की वैध मुद्रा है, इसे स्वीकार किया जाए। युवक की इस दलील पर कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि सिक्कों की गिनती कराकर 1,000 रुपए की थैलियां बनाकर पत्नी को दें। फिलहाल केस की अगली सुनवाई 26 जून को है। बता दें, सिक्के लाने वाले युवक का नाम दशरथ कुमावत बताया जा रहा है। मामले में उसके वकील का कहना है कि करीब 12 साल पहले दशरथ की शादी सीमा कुमावत से हुई। शादी के 3-4 साल बाद ही दोनों के बीच विवाद होने लगा। पति ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी। फैमिली कोर्ट ने पति को हर महीने पत्नी को भरण पोषण के लिए 5,000 रुपए देने के निर्देश दिए। दशरथ पिछले 11 महीने से यह रकम पत्नी को नहीं दे रहा था। इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ वसूली वारंट जारी किया। इसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए तो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पुलिस ने दशरथ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। पैसे चुकाने पर उसे जमानत दे दी गई। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद पति का ये कारनामा काफी वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।